हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब भी कोई नया ट्रेडर डीमैट अकाउंट ओपन करा के मार्केट में एंटर करता है तो उसका मेनली जो रुझान आता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से वो अपनी कैपिटल को कुछ ही दिनों में डबल कर लेगा। ये ऐसा उसको लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। फ्रेंड्स, रियल में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जितना लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा आपकी कैपिटल को डबल कर देगी, उससे कहीं ज्यादा आपके सारे के सारे कैपिटल को वाइप आउट करने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए सेबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया भी है कि 10 में से 9 लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में अपने पैसे को लूज कर रहे होते हैं, अपनी कैपिटल को गंवा रहे होते हैं। और आप उन 9 में से ना हो, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वे कौन कौन से रिस्क होते हैं, वे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इतना ज्यादा रिस्क बना रहता है, इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है मेनली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे पहला मेन रीजन होता है रिस्क का, तो वो है इसके अंदर पाई जाने वाली हाईली वोल्टेलिटी। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसके अंदर वोल्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में घुसे, आपने अच्छे से अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, अच्छे से आपने अपना टेक्निकल एनालिसिस करा है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मूवमेंट इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि आपको कई बार संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता। मान लीजिए आपने अपने अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके आप घुसे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, आपकी एंट्री सब सही थी, सब आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही थी, आप अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन मान लीजिए कि कोई डायरेक्शन जो है वो आपकी मूवमेंट के अगेंस्ट हो गई है, तो आपको लगता है कि चलो थोड़े बहुत लॉस में हम बुक करके निकल लेते हैं, मार्केट से निकल लेते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मूवमेंट सेकंडों के हिसाब से इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि आपको संभलने का मौका नहीं मिल पाता। जितना लॉस आप सोच रहे थे कि मैं इतने लॉस में मार्केट से निकल लूंगा, बल्कि इतने ज्यादा मूवमेंट फास्ट होने की वजह से लॉस आपकी सोच से कहीं ज्यादा हो जाता है, कई बार तो इतना लॉस हो जाता है कि आपकी सारी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाती है। तो इसी वजह से ही ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो काफी ज्यादा रिस्की होती है। इसमें जहां प्रॉफिट में आपको लगता है कि हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा, तो लॉस जो होता है वो भी आपकी उम्मीद से काफी ज्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की होती है, और बिगनर्स के लिए तो मैं बता दूं, क्योंकि वो नए नए मार्केट के अंदर एंटर करे हैं और एकदम से अगर वो अपना इतना ज्यादा कैपिटल अगर वो लूज कर देंगे तो वो एक तरह से डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कई बार। तो इसीलिए पहला रीजन तो ये रहता है कि इसके अंदर वोल्टेलिटी ज्यादा पाई जाती है। सेकंड रीजन रहता है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसको ठीक तरीके से ना समझ पाना। हर किसी को पता है कि एक्सपायरी वाले दिन जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाता है, लेकिन ये पता होते हुए भी लोग जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जा रहे हैं और हीरो जीरो टेक्निक का यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारा पैसा जीरो होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हीरो होने के भी तो चांसेस है ना, तो इसी उम्मीद से वो अपना पैसा जो है वो लगा देते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन पैसा जो है वो जीरो होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। एक्सपायरी वाले दिन मेनली जो है आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है और वो सारे के सारे कैपिटल जो है ट्रेडर की वो जीरो हो जाती है, तो हीरो की बजाय वो जीरो ही बन जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम मार्केट से निकल ही जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सही डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा डिसीजन ये है कि जो नए बिगनर्स होते हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाना ही नहीं चाहिए। उससे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि वो इन्वेस्टिंग करें, क्योंकि उसके अंदर रिस्क कम होता है और रिटर्न भी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग की तरफ ज्यादा जाना चाहिए मेरे विचार से, ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़कर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट देना। थैंक यू।